उग्रवादी, ए उग्रवादी बोलने भी तू आगे भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ, ए उग्रवादी कटवे आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है, इसकी बात करते रहना जी, बाहर देखो इस मुल्ले को। किसी गुंडे की तरह धमकाने वाले ये हैं बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी। भारत की नई संसद में रमेश विधूड़ी ने बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के साथ इतनी गंदी हरकत की कि उनकी सांसदी छीनने की मांग हो रही है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब रमेश विधूड़ी के मुंह से ऐसी उल्टी निकली है। आइए आपको बताते हैं रमेश विधूड़ी की ये पूरी कुंडली। ऐसा नहीं है कि रमेश विधूड़ी का नाम पहली बार किसी विवाद के सिलसिले में सामने आया हो। साल 2017 में उन्होंने कांग्रेस पर हमला करने के लिए सोनिया गांधी के इटालियन मूल का मुद्दा उठाया था। मथुरा में उन्होंने एक जनसभा के दौरान कहा था, इटली में ऐसे संस्कार होते होंगे कि शादी के 5-7 महीने बाद पोता या पोती भी आ जाए, भारतीय संस्कृति में ऐसे संस्कार नहीं है। विधूड़ी पर पहले भी संसद के भीतर असंसदीय और अशोभनीय कमेंट करने का आरोप लग चुका है। गुरुवार को लोकसभा में एक मुस्लिम सांसद की धार्मिक पहचान उनके निशाने पर थी, तो इससे पहले पिछली बार 4 महिला सांसदों ने स्पीकर के पास जाकर उनके कथित बर्ताव को लेकर शिकायत की थी। ये घटना 4 अगस्त 2015 की है। रंजीत रंजन, सुष्मिता देव, अर्पिता घोष और पीके श्रीमती टीचर ने विधूड़ी पर अभद्र और अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। हालांकि विधूड़ी ने उनके आरोपों से इनकार कर दिया था। विधूड़ी के विवादित बयान भी चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उनका एक बयान काफी चर्चा में रहा था। विधूड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दुर्योधन तक कह दिया था। इसके अलावा जब एक माता पिता स्कूल की समस्या लेकर विधूड़ी के पास पहुंचे थे तो उसने कहा था, बच्चे पैदा ही क्यों किए फिर। इससे पहले उन्होंने एक बयान में कहा था, जहां भी मुसलमान अल्पसंख्यक होते हैं वहां मानवाधिकारों की बात होती है, और जहां ये बहुमत में आ जाते हैं वहां खून खराबा शुरू हो जाता है। विधूड़ी 2014 में भी संसद में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से भी भिड़ गए थे। विधूड़ी ने यहां तक कह दिया था कि विपक्ष के कुछ सांसदों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। दिल्ली के तुगलकाबाद में जन्मे विधूड़ी की परवरिश और पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई है। 80 के दशक में दिल्ली यूनिवर्सिटी के भगत सिंह कॉलेज की स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जरिए वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए। इसके बाद विधूड़ी ने लंबी सियासी पारी खेली। वे संगठन की राजनीति के रास्ते साल 2003 में पहली बार दिल्ली विधानसभा पहुंचे। साल 2014 में पहली बार दक्षिणी दिल्ली की प्रतिष्ठित सीट से लोकसभा के लिए चुने जाने से पहले वे 3 बार दिल्ली के विधानसभा सदस्य रह चुके थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रमेश विधूड़ी ने आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और कांग्रेस के उम्मीदवार और बॉक्सिंग चैंपियन विजेंद्र सिंह को हराया था। लेकिन इस तरह की बयानबाजी के कारण वो हमेशा से ही विवादों में रहते हैं। बीजेपी में ऐसे नेताओं को खूब तरक्की मिलती है, और खासकर मुस्लिम विरोध में तो बीजेपी सांसद सारी मर्यादा ही तार तार कर देते हैं। अब देखना ये होगा कि लोकसभा स्पीकर जो कभी RSS के सदस्य रहे हैं यानी ओम बिरला, उन पर कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। देखना तो ये भी होगा कि मोदी इन्हें गालीबाज सांसद को अपनी पार्टी से निकालते हैं या नहीं। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।